नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के समय अंग्रेजों और होलकरों के बीच में हुए युद्ध की। तो पहले हम उस समय के ऐतिहासिक परिवेश की चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें चीजें आसानी से समझ में आ सके। तो भारत में उस समय मराठा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति थी। मुगलों की ताकत तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित थी। दक्षिण के निजाम भी मराठों की संयुक्त शक्ति के आगे लगातार हार रहे थे। तो अब भारत में ऐसा कोई साम्राज्य, राजा या राज्य नहीं था जो कि मराठों या फिर हिंदवी स्वराज्य के लिए खतरा साबित हो सके। ऐसे समय में यहाँ पर यूरोपियन देशों की नज़रें भारत पर जम गई थी। भारत उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। दुनिया के व्यापार का एक चौथाई भाग भारत के पास था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए यूरोपियन देशों में होड़ लगी हुई थी। इसमें डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज प्रमुख थे। इन सब में सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली अंग्रेजों को, जिसके पीछे कारण था यूरोप में पुनर्जागरण काल के बाद विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई थी उसका लाभ उन्हें युद्ध और व्यापार के क्षेत्र में मिल रहा था। साथ ही इसका एक और बड़ा कारण था अंग्रेज यानी इंग्लिश लोग अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे। वहीं भारत के राजा महाराजाओं ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास करने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई और देश के तथा राज्य के प्रति उनकी निष्ठा में भी थोड़ी कमी हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो यह मुख्य कारण था कि ब्रिटेन, जो कि आकार और जनसंख्या में भारत के मुकाबले बहुत ही छोटा था, उसने पूरे भारत पर सदियों तक राज किया। भारत के पश्चिमी तट पर उस समय मराठों और पुर्तगालियों के साथ अरब व्यापारियों का प्रभाव था। तो अंग्रेज भारत के पूर्वी तट से प्रवेश करते हैं भारत में और सबसे पहले वह बंगाल पर कब्जा करते हैं। यहाँ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने अपने नवाब को धोखा देकर अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया और अंततः सन 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन बैठा। पर वह भी सिर्फ नाम के लिए ही नवाब बना था, क्योंकि सारी शक्ति तो अभी भी अंग्रेजों के पास ही थी। इसके बाद सन 1764 में अंग्रेजों की एक और बड़ी जीत होती है और उन्होंने एक साथ लड़ रही संयुक्त सेना, जिसमें मुगल, अवध और बंगाल की सेना सम्मिलित थी, इनको अंग्रेज हरा देते हैं और इस युद्ध को भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता था, क्योंकि ब्रिटिश अब भारत में एक ऐसी बड़ी शक्ति बन गए थे कि उन्हें उत्तर भारत में चुनौती देना अब काफ़ी कठिन हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पर मराठों के कान खड़े हो गए थे और उन्हें पता लग गया था कि यदि अंग्रेज़ों को अब नहीं रोका गया तो एक दिन मराठा साम्राज्य भी उनके कब्जे में आ जाएगा। तो अब मराठों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध को टाला नहीं जा सकता था, उनके बीच में युद्ध होने ही वाला था, क्योंकि जब एक बड़ी शक्ति पहले मौजूद हो और कोई नई शक्ति उभर रही हो तो उन दोनों के बीच में संघर्ष होता ही होता है, इतिहास हमें यही बताता है। और मराठों को सूबेदार मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में एक मौका मिलता है अंग्रेज़ों को रोकने का, कि जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला मल्हार सरकार से मदद मांगते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ और इस मदद के बदले मल्हार सरकार की सेना को पड़ाव डालने वाले दिन से प्रतिदिन 50,000 और जब सेना लड़ाई पर जाएगी उस दिन के प्रतिदिन 50,000 रुपये देने का शुजाउद्दौला वादा करता है। कहीं कहीं पे इस रकम को थोड़ा कम बताया गया है, यानी कि 30,000 भी बताया गया है। यहाँ पर विसाजी लामबादे जी की भी मदद ली जाती है, जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी थी, जिनकी नाती से सीताबाई साहेब का विवाह हुआ था। इस युद्ध के मोर्चे पर गंगोबा तात्या भी मौजूद थे। यहाँ पर हमें मल्हार सरकार की सेना के सरदारों और सैनिकों के वेतन को लेकर कुछ असंतोष की बातें पढ़ने और सुनने को मिलती है। शुजाउद्दौला भी अपनी सेना जुटा रहा था, पर बक्सर की उस हार के बाद उसकी सेना का हौसला पस्त था।
फिर भी गजीउद्दीन अपनी थोड़ी सी सेना लेकर शुजा की मदद के लिए आ जाता है। यहाँ पर यह बात देखने वाली है कि मल्हार सरकार ने युद्ध की सामग्री और बंदोबस्त की जिम्मेदारी का जो जिम्मा था वह माँ अहिल्या को दिया था, और माँ अहिल्या ने अपना काम बखूबी निभाया था और उन्होंने समय पे सैनिक और युद्ध सामग्री मल्हार सरकार के पास पहुँचा दी थी। सूबेदार मल्हार राव होलकर यह पहचान गए थे कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार है, उनसे सीधे मैदानी जंग में हरा पाना काफ़ी कठिन होगा, इसलिए उन्होंने मराठों की फेमस पारंपरिक गमिनी कावा युद्ध नीति का सहारा लिया और अंग्रेज़ों के आसपास का सारा इलाका तहस नहस कर दिया। अंग्रेज समझ ही नहीं पाते थे और मल्हार सरकार की सेना उन पर एकदम से हमला करके सुरक्षित निकल जाती थी। इससे परेशान होकर अंग्रेज़ों ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज़ अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते थे और उन्होंने भी मराठों पर अचानक हमला करना शुरू कर दिया। मराठा सेना अंग्रेज़ों की आधुनिक बंदूकों और तोपों की लगातार गोलाबारी से काफ़ी परेशान हो गई थी और सैनिकों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होने लगा था। तब 3 मई 1765 के दिन अंग्रेज़ मेजर रॉबर्ट फ्लेचर का मुकाबला सूबेदार मल्हार राव जी की सेना से हुआ। यहाँ पर भी अंग्रेजी तोपों के आगे परंपरागत युद्ध नीति काम नहीं आई और यहाँ पर मल्हार सरकार और शुजा की सेना कल्पी तक पीछे हटने को मजबूर हो गई। 15 मई 1765 में मेजर रॉबर्ट फ्लेचर ने अपनी सेना भेजी मराठों को जो गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है वहाँ से खदेड़ने के लिए, और 22 मई को कालपी में युद्ध होता है अंग्रेज़ों और मराठा सेनाओं के बीच में। यहाँ पर फिर से अंग्रेज़ों का ही पलड़ा भारी होता है और अंततः मल्हार सरकार और उनकी सेना को वह इलाका छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर निकलना पड़ता है, पर यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाना भी बहुत कठिन था। यहाँ पर मराठा सेना को यमुना नदी पार करना था जिसमें पानी भरपूर होता था। उस समय की एक रोचक घटना का जिक्र हमें मिलता है कि जब यमुना जी का पानी बहुत उफान पर था और सिर के ऊपर तक बह रहा था, तब मल्हार सरकार श्री मार्तंड भगवान का स्मरण करते हैं और यमुना जी की पूजा करते हैं और फिर उसमें बाद में वह हाथी चलवा देते हैं और देखते ही देखते यमुना का जल स्तर कम हो जाता है। यमुना का पानी अब सैनिकों की कमर तक आ गया था जिससे सारी सेना सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई थी। सब लोग आश्चर्य कर रहे थे क्योंकि यमुना का पानी इस समय कभी इतना कम नहीं उतरता था। और दोस्तों जब इनके पीछे अंग्रेजी सेना आई, वहां पर उस यमुना नदी के किनारे पर पहुंची, तब जल स्तर जो था वह फिर से बढ़ा हुआ था, इसलिए अंग्रेजी सेना जो थी वह यमुना को पार नहीं कर पाई। दोस्तों तब कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी टोपी उतार कर कहा था कि मल्हार सरकार ज़रूर कोई देवीय पुरुष ही होंगे। अब मराठा सेना झांसी की तरफ आ गई थी। इसके बाद दतिया, ओड़से, शेवड़े और गोहत की मुहिम पर मल्हार सरकार जाते हैं, जहां पर महाजी सिंधिया और राघोबा दादा भी आसपास ही थे और यह मुहिम मल्हार सरकार की आखिरी मुहिम साबित होती है दोस्तों। और इसके बाद माँ अहिल्या के सामने यानि माँ अहिल्या के जीतो जी अंग्रेजों से एक और युद्ध का सिलसिला शुरू होता है जिसे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ, हमें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।